YouTube का बैनर बनाने का सबसे आसान तरीका मेरे साथ आज एक छोटा सा एडिटर और बैठा हुआ तो उसकी उंगलियां आगे पीछे लग रही हैं। ये आपने बैकग्राउंड मैंने पहले दिया हुआ था, ये आपने लिया सेट कर लिया। इंसर्ट में आप एक शेप इंसर्ट करेंगे और इसको आपने हाँ जी हाँ जी हाँ हमारे साथ एक अदर छोटा सा काका भी मौजूद है जो हाँ जी आपने भी एडिटिंग करनी है उसके बाद आप टेक्स्ट बॉक्स लें ने अपने चैनल का जो भी नाम लिखना है वो आप लिखेंगे होम पे जाके आप इसका साइज इंक्रीज कर लें हाँ। और यहाँ से आप इसकी राइटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं हम हाँ जी उसके बाद ये हमने फ्रेम ली हम उसको अपने मेन पेज पे ले आते हैं। मैंने आपको पहले भी इसका बैकग्राउंड रिमूव करने से कहा था तो आप एज टू एज ले जाएं ऑटोमेटिकली फ्रेम सेलेक्ट हो गई ये जो आपका बीच का फासला है जिसको आप कम भी कर सकते हैं आपकी फ्रेम सेट हो जाए इसमें आप इसको कंट्रोल सी या कंट्रोल वी करें इसको आप एक दूसरे के ऊपर उसकी एग्जैक्ट जगह सेट कर लें अगर और आप इसको लेफ्ट पे कर्सर को दबा के फ्रेम से दूसरे साइड पे ले जाएं
चैनल का नाम, कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं वो आपने लिखा, और साथ दो फ्रेम्स आपने सेट कर लें, और फ्रेम्स का मैंने बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका आपको यहाँ भी बताया और इससे पहले भी मेरे चैनल पर मौजूद है। और हम क्या करेंगे, एक पिक्चर ली, कंट्रोल एक्स, हम वापस जाएंगे कंट्रोल बी, इसको हम फ्रेम के ऊपर लेकर जाएंगे, फॉर्मेट, इसमें जाके हम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे ये ब्लर का ऑप्शन है, इसकी साइड ब्लर होके ऑटोमेटिकली ये इस तरह से हो जाएगी। इसको आप अपनी मर्जी से बड़ा छोटा करके एडजस्ट कर सकते हैं और इसको सेंड बैकवर्ड, और ये बैकवर्ड में चली गई है। ओप्स, ये, और ये यहाँ पे आ गई है। अभी इसी तरीके से आप दूसरी पिक्चर को लेके आएंगे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ये शॉर्टकट है कॉपी पेस्ट के, कंट्रोल एक्स से कट हो जाता है और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है। फॉर्मेट में जाएंगे अगेन सिमिलरली, इसमें जाके हमने ये सिलेक्ट किया, ये इसमें एडजस्ट हो गया, हम इसको सेंड बैकवर्ड करेंगे और ये इसमें सेट हो गया। अभी आप इसको देख सकते हैं थोड़ा ये एडजस्ट हो गया इसमें। अभी हम इसको फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पे हम सेव कर लेते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5 के नाम पे, और इसको हमें सेव करना है JPEG में, सेव जस्ट दिस वन हमें, और ये हमारा बैनर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, हम YouTube चैनल में कस्टमाइजेशन पे जाएंगे, कस्टमाइजेशन पे जाके हम ब्रांडिंग पे जाएंगे, ब्रांडिंग पे जाके यहाँ से आपके पास, यहाँ मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड किया हुआ था, सो आपके पास यहाँ अपलोड का ऑप्शन आएगा, मेरे पास यहाँ चेंज का ऑप्शन आया है। सो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 के नाम से था, हमने इसको ओपन किया। यहाँ पे आप देखेंगे कि 30 एंड बोरिंग व्यू ऑल ऑन डिवाइसेस, व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेस, फोन टैब वगैरह पे आपको सिर्फ इतना नजर आएगा 30 एंड बोरिंग, आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो आपको इतना नजर आएगा, यानी कि इसमें 30 एंड बोरिंग और दोनों पिक्चर्स जो हैं वो नजर आएंगे। लेकिन आप जाएंगे व्यूएबल ऑन टीवी पे तो आपको ये ऐसे कुछ नजर आएगा। सो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो डन का ऑप्शन है, आप उसको प्रेस करें और पब्लिश करते हैं इसको। यहाँ पे आपको हमारे चैनल के ऊपर नजर आ रहा होगा 30 एंड बोरिंग का बैनर। तो अब आपने देखा कि कितने आसानी से आप बैनर बना सकते हैं यूट्यूब का, आपको किसी डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल जो आपके कंप्यूटर में PowerPoint का सॉफ्टवेयर है आप उसी पे एक बना सकते हैं बैनर को, और ये उसकी शक्ल है, आपको कुछ भी उसका साइज एडजस्ट करने की